24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में अचानक शांत माहौल में पत्थरबाजी शुरू हो गई। हुआ यूं कि जब कल पूरे इंतजाम के साथ जामा मस्जिद का सर्वे करने टीम पहुंची, तो अचानक वहां का माहौल खराब हो गया। कुछ उपद्रवी तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में पुलिस फोर्स पूरी सुरक्षा के साथ उनको समझाती भी दिखी। और समय बीतने के दौरान मामला शांत होता चला गया और आज भी यहां का माहौल सामान्य दिख रहा है, लेकिन पुलिस बल तैनात है और जामा मस्जिद के आसपास के एरिया पर बैरिकेडिंग की गई है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना पर सख्त कार्यवाही के आदेश की बात की थी। स्थानीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। बता दें कि इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं इलाके में फिलहाल के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।